हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल मैक्स आर्मी पे। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, क्लास टेंथ का महाराष्ट्र स्टेट महाराष्ट्र बोर्ड है, क्लास टेंथ है, मैथमेटिक्स वन है, चैप्टर नंबर वन। फर्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा का, जिसको मैक्स वन बोलते हैं। उसमें चैप्टर नंबर वन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें काम लोगों ने 1.1 खत्म किया है, 1.2 खत्म किया है, और 1.2 में मैंने लास्ट क्वेश्चन एक आपको होमवर्क दिया था। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आप उनको कमेंट करके बता देना, मैं बाद में आपको करके दे दूंगा। ओके, अब हम करने वाला है 1.3 में हमें नया टॉपिक सीखने, मतलब नया एक टॉपिक सीखने वाले हैं, जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट बराबर ये पहला हो जाएगा, फिर दूसरा इसके बाद है क्रैमर रूल। क्रैमर्स तो डिटरमिनेंट क्या होता है कि सपोज ये जो है ना दो मॉड, मॉड के जो भी नंबर रहते हैं, ये जो मॉड है ना इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। ओके, देखो यहाँ पे कुछ नंबर है 1, 2, 3, 4। ओके, अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ का यहाँ मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, तो 4 बन जा 4 × 1, फिर बीच में हमेशा माइनस दो, हमेशा माइनस दो, 2 × 3 2 × 3, तो 4 बन जा 4 और 2 × 3 जा 6, तो 6 में से 4 गया तो माइनस 2, ये इसका आंसर है। सपोज दैट कि मैं यहाँ पे जस्ट सीधे से क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, इसको माइनस करता हूँ और इसको माइनस। ओके, तो इसका आंसर क्या होता है, जो मैं अभी नहीं, अभी मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, क्वेश्चन सपोज वन था एग्जांपल नंबर, अभी एग्जांपल नंबर 2 लेता हूँ। हाँ, मैं क्या करता हूँ, 1 − 3 2 − 4। ओके, मैंने क्या किया, क्वेश्चन को जस्ट चेंज कर। ओके, अब देखो सेम काम करना है, पहले इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो −4 × 1, फिर बीच में फॉर्मूले का माइनस। ओके, फिर 2 × 3, 2 × −3, जब भी माइनस मिलते हैं तो उसको लिखते हैं ब्रैकेट में, तो 4 × −4, −2 − +3 × 6, 6 × 4 = 2 है आपका आंसर। ओके, गॉट इट, समझा आपको क्या करना है। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, कभी भी ना पहला ये फर्स्ट वाले नंबर का लास्ट नंबर मल्टीप्लाई किया, और बीच में हमेशा क्या रखते हैं माइनस, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ। ओके, ये हो गया डिटरमिनेंट बराबर। अब हम इसके बाद क्या देखने वाले हैं, एडिटमेंट हो गया, अब इसको हम देखने वाले क्रैमर का रूल। ओके, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्रैमर का रूल देख लेते हैं। क्रैमर का रूल क्या होता है, क्रैमर्स रूल ये क्या होता है कि आपको दो इक्वेशन दे रहे हैं, 2x + 3y = 10, 3x + 4y = 9, ऐसा आपको दो इक्वेशन दे रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना था, डी, तो डी के लिए हम क्या करें, मान लो आपको ये इसको भूल जाओ, ये वाले को भूल जाओ, इसका देखो 2x का वैल्यू, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4, ये हो गया डी के लिए। इसको सॉल्व करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। अभी हमको क्या चाहिए, डी एक्स चाहिए, चलो इसको सॉल्व ही कर दो। ओके, तो इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो क्या जाएगा, 4 × 8 यानी 4 × 2, इसका मल्टीपल इसके साथ करूँगा तो 3 × 3, तो 4 × 8 3 − 9, क्या गया 9 में से 8 तो माइनस का 1। ओके, तो हमारा डी का वैल्यू क्या आएगा, डी का वैल्यू आएगा माइनस का 1। अब मैं फाइंड करूंगा डी एक्स, क्या फाइंड करूंगा, डी एक्स, तो डी एक्स के लिए छोटा सा चिन्ह है ना, देखो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड, दूसरे जे सब, अभी मैंने क्या डी एक्स लिया ना, तो एक्स वाला वैल्यू भूल के एक्स वाला वैल्यू क्या आएगा, जेड वाला वैल्यू आ जाएगा 10 और 9, वाई वाला सेम रहेगा 3। बट ये क्या करना हमको, इधर ध्यान से देखना, वापस बता, जब मैं डी एक्स लूँगा ना, डी एक्स देखो डी लिया तो इसको भूल जाने का, ये एक्स का कोऑर्डिनेट, सॉरी एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट लिखा है यहाँ पे, देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन का एक्स का वाई का कोएफिशिएंट, सेकंड वाले इक्वेशन का एक्स का वाई का कोएफिशिएंट। ओके, अब मैंने क्या किया कि डी एक्स चाहिए, तो जो डी एक्स वाला है ना, एक्स वाला पार्ट को भूल जाइए, एक्स वाले पार्ट देखो हमको क्या देखना है, जेड वाला पार्ट। ओके, तो जेड वाला पार्ट लिख दिया, वाई वाला सेम, समझे, इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो मिल जाएगा ये 4 10 × 4, फिर क्या −9 × 3, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, बीच में माइनस, मिल जाएगा 10 × 4 = 40 −9 × 3 = 27, तो 27 × 40 = 30 आ जाएगा, ये डी एक्स का वैल्यू आ गया। अभी कुछ क्या चाहिए, डी वाई का वैल्यू चाहिए, तो डी वाई का मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, डी वाई इक्वल सेम, अब देखो जब हमने क्या किया, डी एक्स लिया था तो मैंने एक्स के वैल्यू को छोड़ दिया था, एक्स के वैल्यू को नहीं लिया था, जब डी वाई लिया तो डी वाई को वाई वाले को वैल्यू को लिया, तो एक्स वाला क्या है 2 और 3 है, 2 और 3, और वाई वाले क्या जाएगा
10 और 9, समझे? जिस चीज को अगर मैं x ले रहा हूँ तो x वाले पार्ट को भूल जाओगे, x वाले पार्ट में क्या आएगा, z वाला वैल्यू आ जाएगा, ओके। जब मैं dx ले रहा हूँ तो x वाले जगह पे क्या जाएगा, ये अपना सॉरी dy ले रहा हूँ तो dy वाले जगह पे क्या जाएगा, dy वाले जगह पे क्या जाएगा, dz, ये z वाला पार्ट क्या आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, सेम 9 * 8 * 9 - 3 * 10 9 = 18 30 में से 10 जाएगा तो माइनस 12, ये हो गया ए के सेल निकाला डी वाई, ओके। हमको क्या निकालेगा, डी मिल गया, डी एक्स मिल गया, डी वाई। अब यहाँ पे लगाना फॉर्मूला को बाय दी करना, बाय दी क्रैमर्स, क्रैमर्स रूल क्या होता है मालूम है, एक्स चाहिए ना एक्स इक्वल टू होगा डी एक्स बाय डी, वाई चाहिए तो डी बी डी वाई बाय डी। अभी यही चीज देखो, हमने क्या किया, डी एक्स निकाल के रखा है, डी निकाल के, dy निकाला है, d निकाला है, देखो हमने d निकाला सबसे पहला काम, फिर क्या निकाला, dx निकाला, ओके, फिर dy निकाला। हमको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू क्या करना है, पुट अप करना है और सॉल्व करना है। तो dx का वैल्यू कितना है, 13 है और dy का वैल्यू माइनस का, तो देखो माइनस ऊपर से क्या आ गया, माइनस का 13, x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 13। हमको dy का निकालना है, सॉरी y का वैल्यू निकालना है, y का क्या है, dy का वैल्यू माइनस 12 है, माइनस 12 इसका वैल्यू क्या, माइनस 1, माइनस 1 से कैंसिल आ गया 12, मैंने अपने आंसर में क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया माइनस का 13 और y का वैल्यू आ गया 12, दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझे आपको, हमने क्या किया, सबसे पहले डिटरमिनेंट, देखो डिटरमिनेंट यहाँ ये सब भूल जाओ, डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन के साथ पीछे माइनस से फिर इसका इससे, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद ऐसा क्या करना है, हमको डिटरमिनेंट सॉल्व हो गया, हमको फिर क्या निकालना है, क्रैमर रूल क्या बोलता है, इक्वल टू, तो एक क्वेश्चन दे देगा आपको, कभी कभी जेड तक देता है, एक्स वाई जेड देता है, तो तीन वाला देता है, तो मैं आपको बाद में ये टू वाई टू कर देते हैं, एक्स वाई, तो पहले क्या एक्स वाई कोएफिशिएंट लेंगे, इसको सॉल्व करें किसके लिए, डी की। और मुझे जब डी एक्स चाहिएगा तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे एक्स है ना, एक्स वाले जगह पे मैं जेड वाला पार्ट लिख दूँगा, ओके, मैंने जेड वाला पार्ट लिख दिया। फिर अगर मुझे डी वाई चाहिए तो वाई डी वाई तो भूल जाऊंगा मैं, डी वाई के जगह एक्स वाला तो सेम एन वाला है, वाई वाला क्या जाएगा, जेड वाला जाएगा, तो मैं उसको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, वाई लिख रहा है, मैं एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करें। देखो x y वैल्यू फाइंड करने क्या है, एक तो ग्राफिकल मेथड है, सबसे पहला था साइमल्टेनियसली मेथड, किसमें इक्वेशन एक्सरसाइज में 1.1 में क्या था, जो इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय द साइमल्टेनियसली मेथड, ओके, उसमें होगा 1.2 में क्या था, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ओके, x और y का वैल्यू मुझे फाइंड करना था विद द हेल्प ऑफ कलिक थे हम लोग, कौन सा ग्राफिकल मेथड, कौन सा ग्राफिकल मेथड। थर्ड क्या है, क्रैमर्स रूल, जो भी हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे ना विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स, ओके, तो ये तो अपना हो गया। हम इसके बाद क्या करके, सॉरी इसका क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ, किसका, अपने एक्सरसाइज का, आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए तो मैं आगे बढ़ूँगा। चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 2, 5, 4, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3, 2, 4, 5, ये क्वेश्चन दिया है, बराबर। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो मैंने अभी कुछ नाम लिखे ना, अभी मैंने बताया कि क्या है डिटरमिनेंट, ओके, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 3 × 5, बीच में हमेशा क्या रहते हैं माइनस का साइन, ओके, फिर इसका इसे भी मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 4 × 2, देखो 5 × 3 = 15 माइनस 4 × 2 = 8, 15 में चले गया 7, ये हो गया आपका आंसर, ओके, एकदम इजी, कुछ नहीं, ये जो दिख रहा ना क्रॉस में अपोजिट में, अपोजिट वाले का मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस कर दो, और पहले हमेशा इसके करना, सबसे पहला मल्टीप्लीकेशन इसका करना, बीच में माइनस फिर इसके करना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ओके, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 2 में क्या बोला है कि फाइंड दी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, टू के अंदर पहला क्या बोला है, -1, 7, 2, 4, ये आपका पहले वाले का आंसर था -1, 7, 2, 4, ओके, ये दिया क्वेश्चन, हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो देखो इसका मल्टीप्लेस के साथ -1 × 4, बीच में हमेशा करते हैं माइनस लेते हैं, 2 × 7, 2 × 7, 2 × 7,
ठीक है, अगर फोर वन जाए फोर माइनस फोर सात गुना माइनस का चौदह, क्यों ये प्लस है माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, देखो चौदह चार कितना होता है अठारह होता है, लेकिन बड़ा है ना दोनों क्या है माइनस है, तो साइन क्या आएगा माइनस एटीन, ये हो गया आपका आंसर है, डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया ना, ये क्या आ गया अपना आंसर माइनस एटीन। ओके टू हो गया आपका, इसके अंदर क्या क्या बोला है, और दिया क्वेश्चन कि इधर मैं करता हाँ थ्री दिया इसमें का हाँ ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, पहले के अंदर है पहला दूसरा और ये तीसरा, तीसरे में क्या बोल रहा है कि सेवन बाय थ्री, क्वेश्चन है सेवन बाय थ्री, फिर है फाइव बाय थ्री, फिर क्या है थ्री बाय टू वन बाय टू, थ्री बाय टू वन बाय टू, ये हो गया। अब इसको उनको क्या करना है सॉल्व करना है, इससे डिटरमिनेंट के मेथड से। ओके तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, सबसे पहले काम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो सेवन बाय थ्री इंटू वन बाय टू, बीच में हमेशा माइनस का साइन। ओके फिर क्या करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, थ्री बाय टू इंटू फाइव बाय थ्री, ये हो गया पहला काम। फिर क्या करते हैं देखो जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है ना ए अपॉन में बी प्लस माइनस बी अपॉन में सी, जब भी प्लस माइनस होता है तो इसका क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है पहला इसका ऐसे सब मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका इसके साथ होता है, फिर नीचे का होता है, जिसमें कि मैं इसमें करके देता हूँ ए इंटू सी, ए सी हो जाएगा बीच में प्लस माइनस जो भी है, फिर बी इंटू बी, बी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर अपॉन में बी सी, ये क्या होता है जब प्लस माइनस होता है। ओके लेकिन अगर बीच में क्या होता है बीच में इंटू रहता है, यानी कि ए के अपॉन में बी है इंटू सी के अपॉन में डी है, जब भी इंटू देता हूँ ऊपर का ऊपर के साथ होता है इंटू नीचे का नीचे के साथ। ओके तो ए इंटू सी ए सी हो जाएगा और बी इंटू डी डी, समझे यहाँ पे क्या जाए देखो ऊपर है सेवन वन जा सेवन और टू थ्री जा सिक्स माइनस फाइव थ्री जा फिफ्टीन टू थ्री जा सिक्स। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है सेम हिंदी में हर बोलते हैं उसको, तो ये हर क्या है समान मतलब डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो हम लोग क्या करेंगे उसको वन टाइम लिखेंगे, ऊपर क्या है जो ऐड है उसको ऐड कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो सेवन फिफ्टीन में से सेवन जाएगा आठ सात पंद्रह होता है तो माइनस का आठ बढ़ने में छः बराबर, देखो अपन का सिक्स सेवन रहने वाला है ऊपर क्या एट में से सेवन क्या आठ सात पंद्रह होता है, एट सेवन कितना तो फिफ्टीन होता है, देखो टू थ्री जा सिक्स टू फोर जा एट, इसका आंसर कितना है माइनस फोर बाय थ्री, ये क्या आपका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर वन था ये आपका क्या था फिल इन द ब्लैंक्स, तो मैंने क्या क्या बॉक्स कहाँ कहाँ नहीं बनाया, बॉक्स एक यहाँ पर बनाना था मैं बनाता भी आपका बॉक्स एक यहाँ पर था, दूसरा बॉक्स है टू पे था, ये एक यहाँ पर था बॉक्स, फिर क्या था बॉक्स यहाँ पे था, ये हो गया आपका बॉक्स हाँ, ये पहले वाला क्या था कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द ब्लैंक, और सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला था कि डिटरमिनेंट को क्या करो सॉल्व करो, हमने तीन के तीन क्वेश्चन को क्या क्या है सॉल्व किया है। अच्छा इसमें से एक क्वेश्चन और बच गया हाँ, सेकंड का ये पहला हो गया और सेकंड का तीसरा हो गया, सेकंड का दूसरा बच गया, तो मैं सेकंड का दूसरा मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ओके सेकंड का दूसरा क्या बोला है, सेकंड का दूसरा बोला है फाइव थ्री माइनस सेवन जीरो, फाइव थ्री माइनस सेवन जीरो, देखो नंबर आगे पीछे हो लेकिन हम लोग क्या करें क्वेश्चन सेम करें, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन था सेकंड का पहला था सेकंड का दूसरा सेकंड का तीसरा। ओके इसको सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लिकेशन था फाइव इंटू जीरो, फॉर्मूले का माइनस ये माइनस सेवन तो माइनस सेवन ब्रैकेट में इंटू का थ्री, देखो जीरो इंटू फाइव जीरो माइनस माइनस प्लस सेवन थ्री ट्वेंटी वन, आप इसको नोट डाउन कर लो, हम फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलेंगे, वहाँ पे क्या है क्रैमर्स का रूल। अभी हम लोग क्या क्या क्वेश्चन नंबर वन टू खत्म किए, अब क्वेश्चन नंबर थ्री क्या होता है सॉल्व द इक्वेशन बाय द क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल मैंने अभी आपको बताया उसमें क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया मैंने थ्री एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू का टेन है और फोर एक्स प्लस का थ्री वाई इक्वल टू का फाइव। ओके इसको इक्वेशन नंबर इक्वेशन मतलब कोई बात नहीं चलेगा, तो अभी क्या करना है हमको, इसको क्या करना है
डिटरमिनेंट के फॉर्म में लेना है ओके। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ ये सॉल्यूशन तो डिटरमिनेंट फॉर्म मैंने अभी बताया ये एक्स है और ये वाई है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। तो एक्स और वाई ले लेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे ना सपोज कर सकते हो ये ऐसा है एक्स बराबर थ्री वाई बराबर फोर, मतलब एक्स और वाई ऐसा करते हो, आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये हो गया, यहाँ पर लिखूँगा मैं, यहाँ पर लिखूँगा थ्री माइनस फोर फोर थ्री। जब हम डी निकालते हैं तो इसको जेड वाला पार्ट को नहीं यूज करते हैं, सिर्फ एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को लिखते हैं विद द साइन, साइन के साथ प्लस को हम नहीं लिखते ओके। इसको क्या करना हमको सॉल्व करना, सॉल्व करते हैं चलो। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करने में, क्या करना है इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा थ्री इंटू थ्री, बीच में फॉर्मूले का माइनस, ये फोर इंटू माइनस का फोर, समझे मैंने क्या किया इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया, फिर फोर इंटू माइनस का फोर, तो थ्री थ्री जा नाइन माइनस माइनस प्लस फोर फोर जा सिक्सटीन, चार चौक सोलह बराबर, तो सोलह में नौ जोड़ो कितना जाएगा ट्वेंटी फाइव ओके। देख लो सोलह नौ नौ दस हो जाएगा पंद्रह दस पच्चीस, तो डी का वैल्यू क्या आ गया, डी का वैल्यू अपना आएगा ट्वेंटी फाइव। आप क्या करते हैं, आप करते हैं हम लोग डी एक्स, डी एक्स मैंने अभी बताया था जो एक्स वाला पार्ट है ना, ये एक्स वाले पार्ट को भूल जाए, एक्स वाले पार्ट क्या आ जाएगा, एक्स वाले पार्ट जगह पे जेड वाला पार्ट, जेड वाला क्या है टेन है फाइव है और वाई वाला सेम रहने वाला है माइनस फोर थ्री ओके। इसको सॉल्व करो तो थ्री टेन इंटू थ्री फाइव इंटू माइनस का फोर, देखो टेन थ्री जा थर्टी दस या तीस माइनस माइनस प्लस पाँच सौ बीस, बीस बीस पचास, तो डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया पचास आ गया, ये हो गया। आपको क्या करना है आगे का काम करना है, डी निकल गया डी एक्स निकल, अब क्या निकालना डी वाई निकालना है, डी वाई इक्वल टू अब भी हमने देखा था कि जब डी वाई लेना है क्या करना है, आपको वाई वाला भूल देना, एक्स वाला सेम रहेगा थ्री फोर और वाई वाला जब क्या जाएगा टेन और फाइव, टेन और फाइव ओके। अगर मैं डी एक्स ले रहा हूँ तो एक्स को यूज नहीं करूंगा, एक्स वाले को क्या करूंगा जेड वाले को यूज करूंगा, जब मैं डी वाई ले रहा हूँ तो वाई वाले को यूज नहीं करूंगा, वाई वाले को क्या करूंगा जेड वाले को यूज करूंगा ओके। और जब मेरे को डी निकालना है तो एक्स और दोनों की कोएफिशिएंट को यूज करना है। अब देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो फाइव इंटू थ्री माइनस फोर इंटू टेन, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ बीच में माइनस फाइव थ्री फिफ्टीन दस चौक चालीस, चालीस में पंद्रह का माइनस का ट्वेंटी फाइव, ये क्या निकल गया डी का, ये हो गया पहला काम हो गया हमारा। हम लोग क्या करने वाले हैं डी, देखो डी निकल गया डी एक्स निकल गया डी वाई निकल गया, हमारा फॉर्मूला क्या था लिखते हैं बाय डी क्रैमर्स रूल, तो क्रैमर्स रूल क्या था एक्स इक्वल टू था डी एक्स बाय डी और वाई इक्वल टू था डी वाई बाय डी ओके। तो पहले वैल्यू रखते हैं डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी एक्स का वैल्यू अपना फिफ्टी है तो फिफ्टी रख दिया, डी का वैल्यू कितना है डी का ट्वेंटी फाइव है ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव टू जा फिफ्टी तो एक्स का वैल्यू फाइव आ गया, हाँ ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी टू आ गया टू, डी वाई वाई निकाल लो तो डी वाई का वैल्यू कितना है डी वाई का वैल्यू माइनस ट्वेंटी फाइव है माइनस ट्वेंटी फाइव, और डी का वैल्यू कितना है ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव डालो ट्वेंटी फाइव डालो कैंसिल कितना गया माइनस का वन आ गया। अब आंसर लिखो, आंसर क्या जाएगा टू कॉमा माइनस का योगा, समझे मैंने क्या किया कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया दो इक्वेशन दिया था, जब मुझे डी निकालना है तो एक्स और वाई कोएफिशिएंट को यूज करूंगा, डी एक्स निकालना है तो एक्स वाले को भूल जाऊंगा, एक्स वाले जब क्या यूज करूंगा जेड वाले का कोएफिशिएंट यूज करूंगा, जब मुझे डी वाई निकालना है तो वाई वाले को भूल जाऊंगा, एक्स वाला सेम रहेगा वाई वाले क्या रहेगा जेड वाला कोएफिशिएंट रहेगा, इसको सॉल्व करूंगा बाय डी क्रैमर का रूल क्या है फॉर्मूला क्या है एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी और वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय डी, इसको क्या करो सॉल्व करो। ये हो गया, अभी यहीं पे मैं क्वेश्चन नंबर क्या करता हूं टू करता हूं स्पेस है और हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर टू बोला है 4x प्लस का 3y माइनस का 4, 4x प्लस का 3y माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो इसको उधर रख दो तो 4x प्लस का 3y इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है 6x इक्वल टू 8 माइनस 5,
मुझे क्या चाहिए, वन साइड नंबर चाहिए तो जीरो ले लेता हूँ। सिक्स एक्स ए माइनस तो प्लस का फाइव बाय इजिकल टू एट, ऐसी क्वेश्चन दो या दो क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, क्यों, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया ये इधर था, इसको वो साइड भेज दिए तो प्लस हो गया। अब इसमें देखो सब क्या था, इक्वल टू ए साइड था, इक्वल टू ए साइड ले इधर क्या एक्स और वाई को एफिशिएंट को एक साइड रखो और नंबर को वन साइड, ओके एक्स और वाई को एफिशिएंट को एक साइड और जो नंबर है वन टू लेकर जो भी रहेगा वो क्या रहेगा अदर साइड, ओके। क्वेश्चन सही लिखाना, टू एक्स प्लस का थ्री वाई माइनस का फोर एक्स हो गया सही है, फिर सिक्स एक्स इक्वल टू एट माइनस का हाँ सही। हमको क्या करना है इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने में सबसे पहले काम क्या करना है, हमको डी निकालना है। डी निकालने के लिए क्या करना है आपको पता ही है, डी निकालना है यानी कि एक्स ये है फोर, यहाँ पे वाई का थ्री, यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे फाइव, इसको क्या करना है सॉल्व करना है। इसको मैंने सिर्फ करो फाइव इंटू का फोर बीच में माइनस सिक्स इंटू का थ्री, पाँच बीस माइनस छः थ्री का अठारह, बीस में से अठारह गया तो डी का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया दो, ओके। हमको क्या निकालना है डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है डी एक्स। तो डी एक्स में हम क्या करते हैं एक्स वाले टर्म को भूल जाते हैं, तो ये तो ये एक्स वाले टर्म भूल जाएंगे, वाई वाला सेम रहेगा थ्री और फाइव, थ्री और फाइव तो वाई के लिए सेम रहेगा, एक्स के लिए कौन आएगा एक्स क्या आ जाएगा जेड वाला टर्म आ जाएगा फोर और एट, ओके एक्स भी क्या जाएगा जेड वाला टर्म आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लिकेशन फाइव इंटू का फोर माइनस एट इंटू का थ्री निकल जाए पाँच चौक बीस, प्लस माइनस माइनस आठ थ्री का चौबीस, एट थ्री जाए ट्वेंटी फोर, ओके। अब क्या जाए देखो बीस में से चौबीस तो जाएगा लेकिन चौबीस में से बीस जाता है, चौबीस में से बीस जाएगा कितना जाता है माइनस का फोर, हमने क्या निकाल लिया डी एक्स भी निकाल लिया। अब क्या निकालना है डी वाई निकालना है, क्या निकालना है डी वाई, डी वाई के लिए हमको क्या करना है अब वाई वाला भूल जाना है, एक्स वाला तो सेम रहने वाला, एक्स वाला क्या है फोर है सिक्स है, अब वाई वाला भूल जाना है, वाई वाला क्या जाएगा लिया जाएगा फोर और एट, फोर और एट इसको सॉल्व करना है हमको, तो एट इंटू फोर माइनस सिक्स इंटू फोर, एट इंटू फोर सिक्स इंटू क्या करना है आठ चौक बत्तीस माइनस छः चौक चौबीस, बत्तीस में से चौबीस गया बारह में से चार गया आठ चार बारह आठ आएगा आठ चौक बत्तीस, ओके यहाँ कितना आएगा आठ आएगा, तो डी वाई का वैल्यू कितना आ गया आठ आ गया, डी वाई का वैल्यू कितना आ गया आठ आ गया, ओके। अब देखो हमने क्या किया डी निकाल लिया, डी का वैल्यू कितना टू आ गया, डी एक्स निकाल लिया माइनस फोर आ गया, डी वाई निकाल लिया एट आ गया। अब हमको क्या लगाना है क्रैमर का रूल लगा देना है, तो यहाँ पे लगाता हूँ बाय डी क्रैमर्स रूल क्या जाएगा x इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी, तो x का वैल्यू क्या है डी एक्स का वैल्यू क्या डी एक्स डी एक्स का माइनस फोर है, तो माइनस फोर अपन डी का वैल्यू कितना डी के डी का टू है टू टू जा फोर, तो आ गया माइनस का टू, x का वैल्यू क्या आ गया माइनस का टू, ओके। हमको क्या निकालना है y का, तो y इज इक्वल टू क्या होता है डी वाई बाय डी, तो y का वैल्यू कितना है एट आया है एट अपन में टू टू फोर जा एट, तो फोर वाई का वैल्यू लास्ट में आंसर क्या देखना हमको माइनस टू कॉमा ये क्या अपना फाइनल आंसर है, ओके। देखो हमने क्या क्या दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, माइनस टू कॉमा फोर आ गया है हमने दो क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा लगता है ना एक काम और कर सकते हो, जैसे हम लोग कल लिख रहे थे कि सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, तो एक इस कांसेप्ट की तरह इस कांसेप्ट से, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज क्या जाएगा टू कॉमा माइनस वन, ओके। और यहाँ पे आप लिख सकते हो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लिखो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज क्या जाएगा माइनस टू कॉमा फोर, फिर आप इस बार नीचे आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा, ये कोई भी डाउट नहीं, ओके। आज क्या करो नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके।
कुछ तो नहीं चार। हमने दो क्वेश्चन कर लिया है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, क्वेश्चन थर्ड का सेकंड में लिखना भूल गया। ओके ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन।